चतुर्थ शताब्दी मनाएं, जागनी ज्योति जलाएं। चतुर्थ शताब्दी मनाएं, जागनी ज्योति जलाएं। महामति श्री प्राणनाथ का ज्ञान सर्वत्र फैलाएं, वाणी सर्वत्र गाएं, वाणी सर्वत्र गाएं। चतुर्थ शताब्दी मनाएं, जागनी ज्योति जलाएं। चतुर्थ शताब्दी मनाएं, जागनी ज्योति जलाएं। हो सूता हो सो जागियो, जागा बैठा हो। सूता हो सो जागियो, जागा बैठा हो। बैठा ठाड़ा हो यो, ठाड़ा पाँव भरे आगे सोय। तिरछी नजर से दिल मेरा घायल, ठाड़ा हो यो, ठाड़ा पाँव भरे आगे सोए। पाँव भरे आगे सोए, पाँव भरे आगे सोए, पाँव भरे आगे सोए, पाँव भरे आगे सोए। चतुर्थ शताब्दी मनाएं, जागनी ज्योति जलाएं। चतुर्थ शताब्दी मनाएं, जागनी ज्योति जलाएं। महामति श्री प्राणनाथ का ज्ञान सर्वत्र फैलाएं, वाणी सर्वत्र गाएं, वाणी सर्वत्र गाएं। चतुर्थ शताब्दी मनाएं, जागनी ज्योति जलाएं। चतुर्थ शताब्दी मनाएं, जागनी ज्योति जलाएं। हो यूं तैयारी कीजियो, आगु करनी है दौड़। यूं तैयारी कीजियो, आगु करनी है दौड़। सब अंग इश्क ले के निक सो ब्रह्मांड को। सब अंग इश्क ले के निक सो ब्रह्मांड को। निक सो ब्रह्मांड फोड़, निक सो ब्रह्मांड फोड़, निक सो ब्रह्मांड फोड़, निक सो ब्रह्मांड फोड़। चतुर्थ शताब्दी मनाएं, जागनी ज्योति जलाएं। चतुर्थ शताब्दी मनाएं, जागनी ज्योति जलाएं। महामति श्री प्राणनाथ का ज्ञान सर्वत्र फैलाएं, वाणी सर्वत्र गाएं, वाणी सर्वत्र गाएं। चतुर्थ शताब्दी मनाएं, जागनी ज्योति जलाएं। चतुर्थ शताब्दी मनाएं, जागनी ज्योति जलाएं। जागो जगाओ जुगत सो, छोड़ो नींद बिकार। जागो जगाओ जुगत सो, छोड़ो नींद बिकार। पहचान कराऊ पीयू सो, सुफल करूं अवतार। पहचान कराऊ पीयू सो, सुफल करूं अवतार। ये हम चतुर्थ शताब्दी मना रहे हैं, जो स्वामी प्राणनाथ जी ने जागनी करी। ऐसे हमारे देश विदेश में पनामी समाज के सारे संत, सारे सुंदर साथ मिलके हमारी इस जागनी में सहायक हो रहे हैं। ये एक स्वामी प्राणनाथ जी का लक्ष्य था, जागो और जगाओ सब सुंदर साथ को। जो आज सारे संत पनामी समाज के एकत्रित होकर देश विदेश में, हर गांव में, शहर में, हर गली में, हर घर में जागनी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कृष्ण पनामी समाज का एक ही नारा, जागो और
जगाओ। और हमारा एक किनारा है, तुम सेवा से पाओगे पार। जो सारे गुरुजन हमें एक ही चीज सिखाते हैं, जागो और जगाओ। हम यहाँ पे जागने के लिए पाओगे पार। जो आज के युग में खाली लड़ाई ही चलती है, हमारा ऐसा धर्म है जो प्रेम ही सिखाता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो। इसलिए यहाँ पे सब एक साथ सुंदर साथ एकत्रित होकर स्वामी प्राणनाथ जी के ही वचनों पर चल रहे हैं कि सब घर में गली में हम स्वामी प्राणनाथ जी का ही विचार फैलाएं और उनके नाम का ही झंडा हर घर में लहराएं, जो प्रेम का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है। और यही सब गुरु जी ने हमें सिखाया है, जागो और जगाओ। जागो और जगाओ सबको, समय ऐसा आया। जागो और जगाओ सब, समय ऐसा आया। खुलिया दरवाजा धाम, चतुर्थ शताब्दी मनाए, जागनी ज्योति जलाए। चतुर्थ शताब्दी मनाए, जागनी ज्योति जलाए। भारत के विभिन्न प्रांतों में महामती श्री प्राणनाथ जी की जागरण रथ यात्रा लेकर के हम लोग जा रहे हैं, तो उसी के अंतर्गत यह 20वां प्रांत है। 20वां प्रांत के इस रायगढ़ शहर में, जो इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से भी जाना जाता है, बड़ा प्रसिद्ध है। और यहाँ पे श्री प्राणनाथ जी की जागरण रथ यात्रा का सुंदर रूप से शोभा यात्रा के रूप में यात्रा चल रही है। लोग बड़े उत्साह और आनंदित होकर के इस यात्रा का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर भी बड़े सारे प्राणनाथ जी को मानने वाले उनके अनुयायी सुंदर साध बहुत रूप यहाँ पे विद्यमान है, रहते हैं। और यहाँ पे एक सुंदर साधनालय का भी निर्माण हुआ है, जहाँ पे इस समय करीब करीब 150 से 200 बच्चे साधनालय में साधनारत हैं। उनको प्राणनाथ जी की वाणी, प्राणनाथ जी का ज्ञान, विश्वबंध जगत की बातें, जिससे जगत का उद्धार हो, ऐसी शिक्षा दी जाती है। तो आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। प्राणनाथ जी का ज्ञान अथाह है, उसके अंदर लोगों की रुझान भी बहुत है, और नए तरह से आज के सिस्टम से उसको देने का प्रयास किया जा रहा है। सिटियां हैं, अनजान है, उनमें विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, ऐसे ही समाज में भी होता है। आप लोग विद्यार्थी हैं, कुछ विद्यार्थी इतना मेहनत करते हैं, पूरा मेहनत, और कुछ विद्यार्थी बिना मेहनत के ही, क्योंकि उनमें क्या है, वो समझदारी न होने के कारण, जिम्मेदारी न होने के कारण, दायित्व बहन करने के जो है वो बुद्धि न होने के कारण भी ऐसा होता है। तो श्री जी प्राणनाथ जी कहते कि मेरे अंदर भी कहीं कहीं ऐसा था, ऐसे व्यक्ति को अधम कहा जाता है, अधम, क्योंकि उसको दायित्व बहन करने की, जिम्मेदारी बहन करने की उसके अंतर्गत सोच ही नहीं है। फिर प्राणनाथ जी ने कहा नीच, नीच का अर्थ छुआछूत की दृष्टि से नीच नहीं है, नीच का अर्थ छोटा भी हो सकता है ना, छोटा व्यक्ति भी हो सकता है, कम कद वाला भी हो सकता है, क्योंकि बचपन में हमारी कद छोटी ही होती है। इसलिए कम कद वाले, उस ऊंचाई पे न पहुंचा हुआ भी मैं था उस समय, मतहीन का अर्थ होता है बुद्धिहीन, क्योंकि बच्चे बुद्धिहीन ही होते हैं ना, बच्चों की बहुत बुद्धि नहीं होती है, उनको तो खेलना अच्छा लगता है। देखिए अभी आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, परंतु क्या है कि एक सीरियस प्रवचन बड़ी देर तक सुनना बच्चों के लिए मुश्किल होता है। हम लोग भी बच्चे थे तो हम लोग बीतक सुनने के लिए जाते थे, पर हम सोचते थे कि कब बीतक पूरी हो और कब प्रसाद बांटे, है ना, ध्यान हम लोगों का, जाते थे श्रद्धा से, अच्छी तरह सुनते थे, पर कभी कभी कथाकार लंबा 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 दृष्टांत, क्योंकि एक दृष्टांत को एक बार सुनने के बाद जिंदगी भर वो याद रहता है ना, कथाकार उसी दृष्टांत को शुरू करे तो बच्चों को लगता है अभी 15 मिनट ये बिगाड़ देगा, 20 मिनट बिगाड़ेगा, होता है ना। तो देखिए हर बच्चे को, क्योंकि कोई भी बच्चा से ही बड़ा होता है ना, महात्मा होगा, गुरु होगा, देशभक्त होगा, नेता होगा, दार्शनिक होगा, बचपन में तो बच्चा ही होता है। मैं विदेश जाता हूँ, हमारे प्रणामी जो इंडिया से विदेश गए, नेपाल से विदेश गए हैं, वहाँ एक एक दिन ही कहीं कहीं एक एक घंटा भी मैं कहीं बीतक सुनाने का, कहीं 3 दिन 1 दिन ऐसे करके भी मैं सुनाता हूँ, तो बाद में वे लोग भी बोलते हैं हम भी गाँव में जब थे बीतक सुनते थे, पर हमारा भी ध्यान में प्रसाद में ही होता था,
कि बीतक पूरा होते ही आज किसकी ओर से प्रसाद है, कल किसकी ओर से प्रसाद है, अच्छा सा स्वाद का प्रसाद, क्योंकि प्रसाद से आकर्षित होकर के मंदिर आना वो भी कोई गलत बात नहीं है, आ तो रहा है किसी न किसी बहाने आ रहा है। आज जो है वो पूरी श्रद्धा से नहीं आ रहा है, आधा श्रद्धा से आ रहा है, आज अंधविश्वास से आ रहा है तो कुछ विश्वास में परिणत भी हो सकता है ना। भक्ति ऐसे होती है ना, परमात्मा का ध्यान ऐसे ही होता है, प्रारंभ में तो अंधविश्वास से ही होता है, बाद में वही विश्वास के रूप में परिणत हो जाता है, पहले तो असत्य के रूप में ही होता है, बाद में वही सत्य साबित हो जाता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, मैं भी मतिहीन था, कम बुद्धि वाला था, परंतु सो इन चरणों, श्री देवचंद्र जी महाराज के चरणों में आने के बाद क्या हो गया, दाना स्याना सुगड़ा सुप्रिछक प्रवीण, सदगुरु के चरणों में आने के बाद मैं जानकार बना, क्योंकि उनके शब्द से मुझे पूरी जानकारी मिल गई, हद क्या है, बेहद क्या है, अक्षर क्या है, अक्षरातीत क्या है, परमधाम क्या है, पूरी जानकारी मिली तो मैं जानकार बन गया और मैं चतुर भी बन गया। स्याना का अर्थ होता है बहुत, मैं चतुर भी बन गया, क्योंकि पहले वो चतुराई मेरे में नहीं थी, कोई धर्म के विषय में एक सवाल करे तो मैं पीछे हट जाता था, परंतु अब सौ सौ सवाल करे तो भी मैं जवाब देने के लिए तैयार हो जाता हूँ, क्योंकि सदगुरु की ऐसी कृपा हो गई कि मुझे बोलने की क्षमता मिले, इसलिए मैं कहीं दबता नहीं, मैं पूरे स्पष्टता के साथ अपने धर्म का सिद्धांत मैं बता सकता हूँ लोगों के सामने। ये स्यानापन, ये जानकारीपन, ये जो है बड़प्पन, ये मेरे अंतर्गत आ गई। फिर कहते हैं सुघड़, सुघड़ का अर्थ होता है अच्छा घड़ा हुआ। देखिए ये मिट्टी के घड़े बनाते हैं ना कारीगर लोग, कुम्हार लोग बनाते हैं ना, तो किस तरह घड़ घड़ के उसमें डिजाइन बना देते हैं ना, साधारण कुम्हार होगा तो उसमें डिजाइन नहीं भर सकता है, पर जानकार कुम्हार होगा तो अंदर से भी बाहर से भी वो डिजाइन ही डिजाइन भर देता है, और कभी कभी तो मिट्टी के घड़े को भी कलश के रूप में हम लोग सजाते हैं। तो प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं सदगुरु महाराज ने मुझे ऐसा घड़ा, सुंदर घड़ा, सुघड़, अच्छी तरह उन्होंने मुझे घड़ा, बड़े डिजाइन के साथ, बड़ी समझदारी सोच उन्होंने ले ले करके मुझे ऐसे तैयार किया कि देखिए प्राणनाथ जी महाराज राजाओं के सामने भी ललकार रहे हैं, पंडितों के सामने भी ललकार रहे हैं, वेदांतियों के सामने भी ललकार रहे हैं, और औरंगजेब के सामने भी ललकार रहे हैं, कहाँ प्राणनाथ जी महाराज पीछे रहे है, तो प्राणनाथ जी तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही है, फिर भी सदगुरु की कृपा से वो कहाँ खड़े हो गए, ये इन चौपाइयों में स्पष्ट कर रहे हैं, और ये हमारे लिए आज के लिए अत्यंत सांदर्भिक मुझे लगा, क्योंकि हम लोग भी गुरुजी मंगलदास जी महाराज के चरणों में जब गए थे, हम लोग भी क्लास 10 करने के बाद गुरुजी के पास कुछ सीखने के लिए हम लोग गए थे, चलो रिजल्ट आने तक कुछ सीखेंगे, 2 महीना गुरु महाराज के साथ, तो वहाँ पर गए, जाने के बाद जितना सीखा और अच्छा लगा, और सीखने के 2 महीने में तो हम लोग तो उस समय आत्मा सोपान और थोड़ी सी बीतक ही हम लोग सीख पाए, फिर बाद में पूरी बीतक सीखने की इच्छा हुई, जब बीतक पूरी हुई लालदास के तो वृत्तांत मुक्तावली सीखने की इच्छा हुई, उसमें और गहराई से लिखा गया है, जब वृत्तांत मुक्तावली पूरा हुआ तो फिर वाणी सीखने की इच्छा हुई, चर्चनी सीखने की इच्छा हुई, विराट सीखने की इच्छा हुई, ये जिज्ञासा बढ़ती है, जैसे आप लोग यहाँ पर आए हैं, ठीक है सब कोई विद्यार्थी यहीं बैठ करके सीखेंगे ऐसी बात तो नहीं है, पर कभी जीवन में मौका लगाना, आज आपने 2 महीना सीखा है, कभी कॉलेज पढ़ने के बाद फिर 4 महीना सीखोगे या जीवन में सीखते रहोगे, क्योंकि आजकल तो सेल्फ स्टडी भी होता है ना, पहले पहले तो अब क्या होता था कि अर्थ सहित किताबें हमको नहीं मिलती थी, इसलिए तालीम लेने की ज़रूरत पड़ती थी, अब तो नेपाली में, हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में, सब भाषाओं में हमारी वाणी बीतक सब प्रकाशित हो चुके हैं, इसलिए सेल्फ स्टडी करके भी हम अपनी योग्यता को आगे बढ़ा सकते हैं और हम जानकार अति जानकार बन सकते हैं, जो श्री प्राणनाथ जी महाराज बता रहे हैं। तो सद्गुरु महाराज ने या प्रशिक्षक ने मुझे अच्छी तरह घड़ा, और अब क्या होता है कि मैं सुपरीक्षक भी बना। सुपरीक्षक का अर्थ क्या होता है कि कोई भी प्रश्न का अच्छी तरह जवाब देने वाला। ज्ञानी क्या होता है कि
ज्ञानी व्यक्ति जब प्रवचन करता है, आप लोग कहीं कोई दिन बीतक करने के लिए चले जाओगे तो वहाँ ये नहीं सोचना कि बीतक सुनने वाले सारे भेड़ और बकरी बैठे हुए हैं, हम जो बोलेंगे वो मानेंगे। आजकल ऐसा नहीं होता है, आजकल बीतक सुनने वाले सुनाने वाले से जानकार भी बैठे हुए रहते हैं, इसलिए सुनाने वाले को बहुत तैयारी के साथ जाना पड़ता है, बहुत अध्ययन के साथ जाना पड़ता है और एक एक चीज़ को सुनाने के लिए बहुत विवेक से उसको प्रस्तुत करना होगा। कहीं भी असावधानी आ गई, सड़कों पे लिखा रहता है ना, PWD के सड़कों पे क्या लिखा रहता है, नेशनल हाईवे पे क्या लिखा रहता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ऐसे लिखा रहता है ना। प्रवचन करने में भी सावधानी हटी तो कोई ना कोई वहाँ पर क्या है उसकी दुर्घटना हो जाती है ना, बोलने में जरा सा चूक हो गई। इसलिए कोई भी चीज़ हम बोलें तो समझ करके बोलें, सोच करके बोलें, सुप्रिच्छक बन करके हम बोलें, पूछने वाले को भी सुप्रिच्छक बनना, असना अच्छा प्रश्न करे और जवाब देने वाला भी अच्छा जवाब दे। क्योंकि कभी कभी कहीं पूछने वाले उल्टा सीधा पूछ लेते हैं, समय नष्ट करते हैं, इसलिए पूछने वालों में भी प्रश्न पूछने की कला आ जाए और समझाने वालों में भी प्रश्न का उत्तर सही ढंग से समझाने की कला आ जाए। श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं सदगुरु की कृपा ऐसी हुई कि मुझ में वो कला भी आ गई, इसलिए मैं प्रवीण बना, पूरा जानकार मैं बना, निपुण बना। ऐसे प्राणनाथ जी महाराज और देवचंद जी महाराज में कोई फर्क रहा नहीं, तुम सतगुरु दीपक भये मोहे किन हो आप समान। ऐसे ही गुरुदेव मंगलदास जी महाराज के चरणों में जितने जो भी लोग गए उस समय, उन्होंने अपने समान ज्ञान के द्वारा उनको भी ऊंचा उठाने के लिए प्रयास किया, पर व्यक्ति कौन कहाँ पहुँचा वो उसकी जिम्मेदारी है, पर गुरु महाराज ने ज्ञान देने में कोई कमी नहीं रखी। और आज यहाँ जो प्रशिक्षण केंद्र चल रहा है कुछ सालों से, और हमारे महेंद्र अधिकारी जी जो यहाँ पर प्राचार्य के रूप में आप सबको शिक्षा दे रहे हैं, और हमारे बहुत सारे 2 साल के कोर्स करने वाले, 3 साल के कोर्स करने वाले, और इससे पहले भी हमारे कालिम्पोंग में, इटहरी में, सिलीगुड़ी में, वहाँ पर भी ये प्रशिक्षण का कार्य हुआ। आज वहाँ सीखे हुए विद्यार्थी समाज का कार्य कर रहे हैं, संस्थाओं में कार्य कर रहे हैं, जिम्मेदारी पूर्ण एक दायित्व लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और जो यहाँ सीख रहे हैं वे भी जगह जगह बीतक करने के लिए जा रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी दायित्व को निर्वाह करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप छोटे छोटे विद्यार्थी जो थोड़े समय के लिए आए हैं, आपके लिए भी मेरी शुभकामना है, आप भी अच्छी तरह सीखें, जानकार बने, क्योंकि कहीं जाकर के हम केवल सुनने वाले श्रोता बन करके क्यों रहें, आजीवन हम श्रोता बन करके क्यों रहें, हम वक्ता भी बने, हम गायक भी बने, लेखक भी बने, नाटककार भी बने। अभी बच्चों ने नाटक दिखाया ना, अच्छा नाटक था, क्योंकि वो क्या था कि वो नाटक में कोई एक थीम निकल रहा था। नाटक तो बहुत लोग दिखाते हैं, हास्य व्यंग्य नाटक भी दिखाते हैं, पर नाटक देखने के बाद उसका कोई थीम सार निकलना चाहिए ना, कि ग्रामीण जीवन में जो अखाद्य अपेय चीज़ को लेकर के लोग किस प्रकार से परिवार को बिगाड़ रहे हैं, परिवार को आर्थिक दृष्टिकोण से भी दुर्बल बना रहे हैं, और एक सामाजिक शिक्षक जाकर के या कोई गुरु जाकर के उनके जीवन में सुधार लाता है तो परिवार का आर्थिक स्थिति भी किस प्रकार से विकसित होता है और बच्चे भी कैसे पढ़ करके आगे बढ़ते हैं, ये उसमें सार दिखलाई दे रहा था ना। तो हम ये कोशिश करें, प्रशिक्षण केंद्र में आए हुए सभी विद्यार्थी ये कोशिश करें कि हम अपने बुद्धिमता के अनुसार केवल श्रोता बन करके जीवन में नहीं रहेंगे, हम वक्ता बनेंगे, लेखक बनेंगे, नेतृत्व देने वाले बनेंगे, और कुछ न कुछ समाज में, क्योंकि जिस क्षेत्र में, जिस समाज में हम जाएंगे, उस समाज को हम ऊपर उठाने के लिए, उस समाज को शिक्षित बनाने के लिए, उस समाज को धर्मनिष्ठ बनाने के लिए हम सदा सदा समर्पित रहेंगे। ये भावना लेकर के आप लोग अध्ययन करके लौटेंगे और आगे अपने कॉलेज की पढ़ाई, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई अच्छी तरह कर करके जीवन में धर्मनिष्ठ बनेंगे, शुद्ध शाकाहारी और शुद्ध विशुद्ध प्रणामी
निजानंद संप्रदाय के पूरी तरह अनुपालक आप लोग बनेंगे, ऐसी मेरी मंगल कामना है, शुभकामना है। और महामती प्राणनाथ चतुर्थ शताब्दी के अवसर पर हम लोग मिले हैं, हम लोग एक झंडा लेकर के निकले हैं, देश विदेश में प्राणनाथ जी का नाम हो। आप सब भी इसी झंडा तले अपने जीवन को सार्थक करें और जीवन में कुछ न कुछ करने की एक प्रेरणा लेकर के आप इस साधनालय से आप लोग जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं मंगल भावनाओं के साथ साधनालय में संलग्न सभी साधक और सभी जो भी यहाँ पर है एक टीम वर्क, सभी को मंगल कामना और प्राणनाथ चतुर्थ शताब्दी की बधाई देते हुए और सारे सुंदर साथ को भी बधाई देते हुए हम लोग मंदिर में भी मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रवचन को यहाँ विराम दे रहा हूँ। महामती का यही विचार, सुख शीतल करो संसार, प्राणनाथ जी का यही कथन, पसरसी चौदह भवन, प्राणनाथ जी का कहना मानो, पहले आप पहचानो, प्राणनाथ जी हैं अति उदार, तुम सेवा से पाओगे पार, प्रणाम। चतुर्थ शताब्दी मनाएं, जागनी ज्योति जलाएं, चतुर्थ शताब्दी मनाएं, जागनी ज्योति जलाएं। महामती श्री प्राणनाथ का ज्ञान सर्वत्र फैलाएं, वाणी सर्वत्र गाएं।